गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। लास्ट हमने जो क्लास करी थी वो आपकी चैप्टर नंबर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स के ऊपर थी। तो हमने यहाँ टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ लिया था, उसके आगे हमें पढ़ना था आज। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है टूथ डिके। डिके मतलब सड़ना, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं और जब वो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है, उस वो खाना फंसने के बाद उसमें जर्म्स लगे होते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, वो जर्म्स हमारे दांतों पे चढ़ जाते हैं और फिर वो हमारे दांतों को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर है, तो जब जर्म यहाँ फंस जाता है, जब खाना यहाँ फंस जाता है ऐसे दो दांतों के बीच में, तो वो खाने से जो जर्म्स होते हैं वो हमारे दांतों पर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे पहले वो हमारे दांतों को येल्लो करते हैं। येल्लो कैसे करते हैं, उस पर प्लाक जमा होता है। क्या होता है? प्लाक। ये आपको अब लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस समझना है। तो ये जो येल्लो येल्लो आपके टीथ के ऊपर जो जमा हो जाता है, किसी के दांत आप देखोगे वो पीले होते हैं, तो वो पीले क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दांतों पे प्लाक जमा होता है, उसको जर्म्स जो होता है वो एक शीट की तरह जम जाती है दांतों के ऊपर। और फिर ये प्लाक जब ज़्यादा बड़ा होता रहता है, अगर आप ठीक से टूथब्रश नहीं करते हो या फिर आप गुटखा पान जो लोग खाते हैं, उनका जो प्लाक होता है वो और मोटा हो जाता है और क्या कहते हैं, हैवी हो जाता है और फिर वो बदल जाता है किसमें, टार्टर में, टार्टर। और ये प्लाक ही होता है, बस ये थोड़ा और हैवी और मोटा, मतलब हैवी हो जाता है। अब इससे क्या होता है, प्लाक से जब प्लाक होता है तो वो प्लाक हमारे दांतों में धीरे धीरे एसिड छोड़ने लगते हैं। क्या छोड़ने लगते हैं? एसिड। एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को खोखला करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे छेद होना शुरू हो जाएगा। तो छेद किस में होगा, हमारे ये क्या चीज़ है, ये वाइट वाइट क्या है, जो हार्ड पोर्शन है, कल लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, इसको इनैमल कहते हैं। तो इनैमल में जब छेद हो जाता है तो फिर जो खाना है, जो पानी है, जो हम पानी पीते हैं, वो हमारे पल्प तक हमें फील होने लगता है। इसीलिए दांतों में दर्द होता है, क्योंकि वो दांत हमारा खोखला हो चुका है और जो पल्प, जो हमारा कमज़ोर एकदम नाजुक सा जो पल्प है यहाँ पे, इसमें हमें खाना टच होने लगता है और पानी, ठंडा पानी या गर्म पानी टच होने लगता है, उससे हमारे को दांतों में दर्द होता है। तो ये होता है टूथ डिके। और इस तरह जब दांत बिल्कुल पूरी तरह से सड़ जाता है तो फिर डॉक्टर को उसको निकालना पड़ता है, उसको उखाड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे। वाइल यू ईट टाइनी बिट्स ऑफ फूड कैन स्टक इन योर गैप्स बिटवीन योर टीथ। जर्म्स एंड बैक्टीरिया लिव ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ, दे आर स्पेशली फॉन्ड ऑफ स्टार्चेस। देखो यहाँ पे जैसे दांत के बीच में, ये देखो खोखला कर दिया, ये पीला दांत हो जाता और ये खोखला कर दिया उसको। पहले थोड़ा कम है, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है और वो खोखला कर देता है। तो दे आर स्पेशली फॉन्ड ऑफ स्टार्चेज एंड शुगरी फूड्स। तो ये जो जर्म्स होते हैं जो ये ऐसा काम करते हैं, उनको क्या पसंद है, शुगर, मीठा खाना, मीठा खाना पसंद होता है उनको, और स्टार्चेस खाना पसंद होता है। तो ये जो लोग कैंडीज और टॉफीज ज़्यादा खाते हैं बच्चे, उनके दांत सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्म्स उन्हीं खानों को खाना पसंद करते हैं। दे ग्रो वेल ऑन देम एंड फॉर्म अ थिन स्टिकी फिल्म ऑन योर टीथ कॉल्ड प्लाक। फिर वो अपने एक फिल्म जमा हो जाती है हमारे दांतों के ऊपर, पीली फिल्म, उसको प्लाक कहते हैं। दे प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। ये प्लाक जो है वो एसिड बनाता है जो कि हमारे इनेमल को तोड़ता चला जाता है। स्लो कैविटी और होल इज फॉर्म्ड इन योर टूथ। कैविटी किसे कहते हैं, जो छेद हो जाता है दांतों में, जो छेद होता है, ये देखो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो छेद हो रहा है आपके दांतों में, इसको कैविटी कहते हैं। ये स्मॉल कैविटी है, ये लार्ज कैविटी है, इसमें बड़ा छेद हो रखा है, ठीक है। तो कैविटी, छेद या छेद या होल इज फॉर्म्ड इन योर टूथ, आपके दांत में वो छेद बना देता है। इफ़ द कैविटी गेट्स बिगर एंड डीपर द पल्प ऑफ योर टूथ बिगिन्स टू हर्ट। अगर ज़्यादा गहराई तक चला जाए तो पल्प जो होता है हमारा दांत के अंदर, उसमें वो दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जब आपको दर्द शुरू होना जब शुरू हो जाए तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। डेंटिस्ट क्या करेगा, डेंटिस्ट पहले उसको प्लाक को हटाएगा। कैसे करेगा, क्लीन करेगा हमारे जो दांत के ऊपर प्लाक जमी है उसको, उसको टार्टर बनने से रोकेगा और जो छेद हुआ है उसको फिल कर देगा। क्या करेगा, ही पुट्स इन फिलिंग, वो फिलिंग्स डाल देगा, यानी कि उसमें भर देगा दांतों के छेद पे, जो भी जितना भी बड़ा छेद हो उसको भर देगा, ताकि वो आपका पल्प दर्द ना करे, ठीक है। तो डेंटिस्ट ये काम करते हैं।
केयर ऑफ टीथ, अब हमें अपने दांतों के ख्याल कैसे रखनी है। व्हेन प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज नॉट टेकन, दे बिकम हॉलो, गेट डिकेड एंड फॉल। सो वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर टीथ। इफ वी लूज आवर परमानेंट टीथ, नो न्यू टीथ विल ग्रो इन देयर प्लेस। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके जो परमानेंट टीथ आते हैं, पहले बचपन में हमारे मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसके बाद हमारे नए दांत आते हैं जिसको हम परमानेंट कहते हैं। तो परमानेंट एक ही बार आते हैं, अगर वो एक बार हमारे ख़राब हो गए, डीके हो गए या फिर गिर गए, जब दांत टूट के गिर जाता है तो आपका नया दांत नहीं निकलेगा, आपको फिर वो डेंटिस्ट के पास जाके एक नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनका ख्याल रखना, दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, टूथेक, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, बैड डाइजेशन, पुशिंग डाउन द टीथ। यानी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप दांतों का ख्याल ना रखो। आपके मुंह से बदबू आ सकती है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, आपके मसूड़ों से खून निकलने लग सकता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, खाना आप डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको पचाने में प्रॉब्लम होगी। और जो दांत है वो आपके टेढ़े मेढ़े या फिर नीचे की तरफ दबने लगेंगे। टू अवॉइड टूथ डिके एंड कीप आर टीथ हेल्दी, वी मस्ट ओबे द फॉलोइंग रूल्स। हमें ये काम करना चाहिए अपने दांतों को मजबूत रखने के लिए। वी मस्ट ब्रश आर टीथ प्रॉपरली एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो यानी कि हमें सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। वी शुड ईट रॉ कैरेट्स, रेडिश एंड अदर फाइबरस फूड्स। फाइबर किस में होता है? प्लांट्स में होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में फाइबर होता है, यानी कि हरे हरे पत्ते वाले जो होते हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। और किस में? गाजर में और रेडिश में, इस पे आपको फाइबर मिलेगा। तो ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स कह रहा हूँ, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन्स और मिनरल्स दोनों होते हैं और वो दांतों को मजबूत रखने में काम आते हैं। वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ मिल्क एज अ सप्लेंट ऑफ कैल्शियम इन आर डाइट। तो हमारे दांतों को कैल्शियम की ज़रूरत है, हमारे हड्डियों को, पूरी बॉडी में जो हड्डियाँ हैं, हमारे दांत जो है वो हमारी हड्डी होती है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। तो हमारी हड्डियों को क्या चाहिए होता है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए। वी शुड नॉट टेक टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स और स्वीट्स, कम से कम खाने चाहिए, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। वी शुड वॉश आर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। तो मतलब जैसे हमें अपना मुंह धोना चाहिए, यानी कि अंदर से कुल्ली वगैरह करना चाहिए खाना खाने के बाद। वी शुड गेट आवर टीथ चेक बाय डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 3 months। तो हमें हर 3 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट को दिखाने चाहिए अपने दांत। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग बड़े बच्चे हो तो आप, आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही होंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स क्या कहते हैं? ये बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे आप इनको आप आँखों से नहीं देख पाओगे, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। तो जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रोब्स हर जगह होते हैं, हर चीज़ पे होते हैं, हर लिविंग थिंग पे होते हैं, हर नॉन लिविंग थिंग पे होते हैं। दे ग्रो रैपिडली इन प्लेसेस वेयर दे गेट फूड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो उन्हें जहाँ पे भी ये 3 चीज़ें मिलेंगी, खाना और थोड़ा सा मॉइस्चर और ऑक्सीजन। मॉइस्चर किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है आपका, थोड़ा गीला आप कह सकते हो, हल्का फुल्की गीली जगह हो या पानी वाली जगह हो, वहाँ पे ये अच्छे फल फूलते हैं, और उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। देयरफॉर आवर माउथ प्रोवाइड्स अ फेवरेबल कंडीशन, इसलिए हमारा जो मुंह होता है इनके लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है, वहाँ खाना भी मिल जाता है इसको। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि थोड़ा थोड़ा हमारे दांत गीले ही रहते हैं, है ना, आज किसी के दांत तो सूखे नहीं रहते होंगे। और ऑक्सीजन यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे मुंह के अंदर मिल जाती है, इसीलिए जर्म्स को, माइक्रोब्स को वहाँ पे फलने फूलने में कोई दिक्कत नहीं होती। माइक्रोब्स दैट कैन हार्म आर कॉल्ड जर्म्स। अब माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेट में जो माइक्रोब्स होंगे वो खाना को पचाने में मदद करते हैं, तो वो अच्छे माइक्रोब्स हो गए। जो हमारे दांतों को सड़ा रहे हैं या हमारे को डिजीज़ दे रहे हैं या हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो गंदे माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम जर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
जर्म्स, वो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। दे कॉज डिजीजेज बाय एंटरिंग आवर बॉडीज, वो हमारे बॉडी में एंटर करके हमें डिजीज देते हैं, बीमारियां देते हैं। डिजीजेज कॉज बाय जर्म्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो डिजीजेज जो जर्म्स से डिजीज होती है उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शन का डिजीज कहते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के माइक्रोब्स होते हैं? चार तरह के माइक्रोब्स होते हैं। देर आर फोर काइंड ऑफ माइक्रोब्स। पहला होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया दे आर सिंगल सेल्ड एंड हैव डिफरेंट शेप्स। सिंगल सेल होते हैं यानी कि हमारी बॉडी, आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा होगा, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। हमारा एक टिश्यू टिश्यू बनता है, ठीक है। हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स को मिला के ऐसे टिश्यू बनते हैं। टिश्यू को बहुत सारे टिश्यूज को मिला के हमारा एक ऑर्गन बनता है, यानी कि हमारा दिल बनता है, या हमारा लंग्स बनते हैं, या हमारा नोज बनती है, या हमारा स्किन बनता है। तो हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे दिल बना लिया, ठीक है। दिल किससे बना है? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बने हैं? सेल्स से। सेल्स, ये जो आप छोटे 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 देख रहे हो, ये सब सेल्स हैं जो एक साथ जुड़ के एक टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। और फिर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इंसानों का ऑर्गन सिस्टम अलग होता है, जानवरों का अलग होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कि सेल से, बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर एक बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। जैसे मैंने यहाँ दिल बनाया है, उसी तरह हमारा हार्ट के साथ हमारे लंग्स होते हैं, किडनीज होती है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, लिवर होता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे स्किन भी, हमारे हड्डियाँ भी, हमारी हर चीज़ बॉडी में जो चीज़ होती है वो सेल्स से बनी है, ठीक है। इंसानों में या जानवरों में या प्लांट्स में कोई भी चीज़ बनी होगी तो वो सेल्स से बनी होगी, लिविंग थिंग्स में। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मॉलिक्यूल से और एटम से बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक अकेले सेल का एक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उसमें वो पूरा जीव है, वो एक पूरा जीव है जो कि सिर्फ एक सेल से बना है। हम तो बहुत सारे सेल से बने, करोड़ों करोड़ों सेल से बने हम लोग, ठीक है। लेकिन ये एक सेल जो अपने आप में जिंदा होता है उसको बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। दे आर सिंगल सेल्ड एंड हैव डिफरेंट शेप्स। इनके अलग अलग शेप होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ गोल हैं, कुछ आपके ऐसे रॉड जैसे हैं, कुछ ऐसे गोल गोल हैं जैसे स्पाइरल, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की तरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे बैक्टीरियाज के शेप होते हैं अलग अलग। यहाँ पे भी लिखा है स्पाइरिकल शेप, ये स्पाइरिकल शेप होती है जिसमें स्प्रिंग होती है। रॉड शेप, ये हमारी रॉड शेप है। और ये सर्कुलर शेप्ड, ठीक है, लिखा नहीं है बट बता रहा हूँ आपको। दे कॉज डिजीज, इनसे हमें बीमारियाँ कौन कौन से हो सकती हैं? टीबी की बीमारी हो सकती है जो हम लोग खांसते रहते हैं, ठीक है। टाइफॉइड की बीमारी होती है जब गंदा पानी आप पीते हो, गंदा खाना आप खाते हो कहीं से, ठीक है, गोलगप्पे खा के आ रहे हो और उसने गंदगी से बनाया है वो गोलगप्पे, और फिर उससे आपको टाइफॉइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ठीक है। जब बारिश में ज़्यादातर लोगों को निमोनिया होता है तो बैक्टीरियाज जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह बैक्टीरियाज जो है हमें बीमारियाँ दे देते हैं। और ये चार तरह के हमारे शेप होते हैं। देखो यहाँ पे स्पाइरल, ये हो गया रॉड, ये खड़े खड़े जो आपको दिख रहे हैं, राउंड, ये राउंड वाले हो गए, और ये तीन तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे दिए गए। उसके बाद वायरस। अब वायरस क्या होता है? वायरस भी हमारा दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये भी सिंगल सेल्ड होता है, इसमें भी एक ही सेल होता है, ये अकेला होता है, और ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है। ये भी बीमारियाँ कॉज करते हैं, इनसे भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, या बच्चों को पोलियो होता है, या इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी होती है। इन तरह की बीमारियाँ वायरस से होती है। अभी जो कोरोना हुआ है लोगों को, वो क्या है? वो भी एक वायरस है। और जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। जो कोरोना है वो भी क्या है? COVID-19 वायरस ही तो है, ठीक है। दे एंटर द सेल्स एंड इंक्रीज इन नंबर इनसाइड द सेल्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में घुसता है, अब जैसे ये सेल है हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी है, हार्ट है, मान लो लंग्स है, यहाँ पे, यहाँ मैं लंग्स बना देता हूँ आपको,
मैं आपको कोरोना का मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे हुआ है। तो ये इंसान है, ये उसके लंग्स हैं। लंग्स किससे बने? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने? सेल्स से। तो जो वायरस आता है, वायरस हवा हवा के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करता है, वो किस में घुस जाएगा? वो आपके सेल में घुस जाएगा। ये हमारा सेल है बड़ा सा। तो वायरस इसके अंदर घुसता है और फिर वो सेल को खा के सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है। तो वो एक वायरस दर्जनों वायरसों में बदल जाता है, फिर वो दर्जनों वायरस बाकी के सेल में घुस जाते हैं। ठीक है, फिर वो दर्जनों वायरस बाकी के सेल में घुस जाते हैं और फिर आसपास के सारे सेल को खा के उससे और दर्जनों वायरस, लाखों वायरस बनाते हैं। फिर वो वायरस सारे टिश्यूज़ में फैल जाते हैं, फिर वो टिश्यू सारे लंग्स में फैल जाते हैं। तो सारे लंग्स के सेल्स क्या है, उसने मार दिए। ठीक है, और वायरस को वो बढ़ाता जा रहा है। और फिर जब सांस नहीं ले पाओगे, लंग्स ख़राब हो जाएंगे, तो फिर आपको कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपको सांस नहीं आने लगेगी, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर जाएगा। ठीक है, आप बीमार होने लगोगे। तो ये चीज़ जो होती है, इस तरह कोरोना फैलता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंगाई। फंगाई क्या होता है? दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, दे कॉज स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। तो आपने डिकेइंग क्या होता है? कोई भी चीज़ सड़ने लगती है, जब कोई चीज़ सड़ने लगती है उसको डिके बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ सड़ने लग रही होती है तो वो उस चीज़ पे ग्रो करता है। आपने देखा होगा जैसे आपका ब्रेड होता है, जब ब्रेड को आप कुछ दिन बाहर रख दोगे ना, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद से वो फफूंदियाँ सी शुरू हो जाती है। तो वो जो फफूंदी है वो क्या होता है? वो फंगी होता है, फंगाई होता है। ठीक है, तो फंगाई जो होता है वो डिकेइंग मैटर पे ही आता है, यानी कि जो चीज़ सड़ने लग रही होती है। कोई चीज़, कोई जानवर मर जाए तो उस पर भी अजीब सा आप देखोगे तो आपको फंगाई उस पर चिपका हुआ दिखेगा। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगते हैं जब कोई चीज़ सड़ने लगता है। ठीक है, इनसे किस तरह की बीमारी हो सकती है? रिंगवॉर्म, जो दांत खुजली की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी इससे होती हैं। एक बीमारी होती है एथलीट्स फुट। अब जैसे ये बीमारी है, इसका मतलब आप नहीं जानते और ना मैं आपको अभी इस क्लास में दिखा पाऊँ, तो आप गूगल करिए और देखिए एथलीट फुट किसे कहते हैं, किस तरह की बीमारी को एथलीट्स फुट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंगाई। और लास्ट है आपका प्रोटोजोआ। दे आर सिंगल सेल्ड एंड कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। तो ये भी सिंगल सेल के होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, और ये इनसे बीमारियां किस तरह की होती हैं? आपका मलेरिया या डिसेंट्री। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो किस तरह का किस तरह का सिंगल सेल वो होता है? सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ जो होता है, जैसे मच्छरों के थ्रू क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर वायरस जो है उसको फैलाता है। कैसे? जो प्रोटोजोआज होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये एक वर्ड है जो आप आगे जाके बहुत तब पढ़ोगे, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है ये दूसरे जानवरों पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जीते हैं, उनको खाना बना के उनकी बॉडीज से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, समझ रहे? तो जो जानवर, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाता है, होस्ट मतलब उस ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, उस ऑर्गेनिज्म से अपना उस ऑर्गेनिज्म को खा के धीरे धीरे उससे अपना वो खाना लेता है, उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा कि भाई इनसे बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और देखो हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है, जब बैक्टीरिया होता है, जो जैसे कि आपका एक बैक्टीरिया होता है वो हमारे मिल्क को, दूध को दही में बदलने के काम आता है। ठीक है, जब हम दही दूध को बाहर रख देते हैं तो वो थोड़े देर में धीरे धीरे जमने लगता है, तो उससे दही बन जाती है। ठीक है, तो ये कौन काम करता है? ये काम बैक्टीरिया करता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया शुगर को शराब में बदलने में काम आते हैं। ठीक है, शुगर को अल्कोहल में बदलने में काम आते हैं कुछ बैक्टीरियाज। जैसे अंगूर कहते हैं ना, अंगूर को सड़ा के शराब बनाई जाती है, तो वो कौन करता है, वो काम कैसे होता है? वो बैक्टीरिया उसको सड़ा रहा होता है, तो उससे जो है आपका अल्कोहल बनता है।
सम बैक्टीरियाज हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ जो जानवर मर जाते हैं अगर वो सड़ेंगे नहीं, मिट्टी में नहीं बदलेंगे, तो फिर हमारे जो धरती पे एक पहाड़, कई पहाड़ बन जाते मरे हुए जानवरों के. ठीक है, जिस तरह के हम लोग प्लास्टिक के जो कूड़ा बनाते हैं, जो हमने देखा होगा आपने गाजीपुर में भी प्लास्टिक का कूड़ों का पहाड़ है. वो पहाड़ इसीलिए है क्योंकि वो डिके नहीं होता. प्लास्टिक जो है वो ख़राब नहीं होता, वो करोड़ों साल तक आपका प्लास्टिक ऐसा ही रहेगा. तो इसीलिए अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो भी नहीं सड़ पाते. तो उनको सड़ाने के लिए भी जो है डिके करने में बैक्टीरियाज का काम होता है. कुछ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी में. इंसानों में भी आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो विटामिन्स पैदा करते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, इस तरह के विटामिन्स जो है बैक्टीरिया पैदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी. एक फंगस होता है जो आप यीस्ट खाते हो, फंगस, उससे आपके केक्स बनते हैं, ब्रेड बनता है, उसको फुलाने में काम आता है. जैसे बेकिंग सोडा होता है ना, वो इसका किस काम आते हैं, उसको केक को फुलाने के काम आता है, वो आपको ब्रेड को फुलाने के काम आता है. तो ये चीज़ें जो हैं, हमारा यीस्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब इसमें काम आते हैं. वी ईट मशरूम. अब आपने मशरूम खाया होगा कभी, ठीक है, तो मशरूम क्या होता है, वो फंगस होता है. ठीक है, वो जीता जाता एक फंगस है जो हम खा सकते हैं. वी गेट मेडिसिन पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम. तो एक फंगस होता है, उसका नाम है पेनिसिलियम, उससे एक दवाई बनती है पेनिसिलिन, जो कि कोरोना में दी जाती है लोगों को. ठीक है, पेनिसिलिन. तो ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म. अब हम एक इसके छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं. योर टीथ योर न्यू बॉर्न कजन इन टू मंथ्स ओल्ड ही इज लाइकली टू हैव. कितने दांत होंगे उसके, 2 महीने के बच्चे के कोई भी दांत नहीं होंगे, नो टीथ. ठीक है, योर मदर इज 34 ईयर ओल्ड, शी इज लाइकली टू हैव. कितने दांत होंगे मम्मी के, तो 34 साल की होंगी, 32 परमानेंट दांत होंगे. ईटिंग रॉ एंड हार्ड फूड, कच्चा खाना और हार्ड खाना इज गुड फॉर टीथ, हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है. और क्या रह गया, टूथ डिके लीड्स टू, टूथ डिके लीड्स टू बोथ फाउल स्मेल एंड टूथेक, इनडाइजेशन एंड स्टमक ट्रबल. तो ये दोनों ही, चारों ही प्रॉब्लम्स हमारे को दांत के खराब होने से होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टूथ, इनमें से कौन सा चीज़ दांत का पार्ट नहीं होता. तो यहाँ पे मोलर होता है, हमारे दांत में क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है, लेकिन मोलर नहीं होता. मोलर अपने आप में एक दांत को कहते हैं, दांत का पार्ट नहीं है, दांत है मोलर. गिव सिंगल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द पार्ट ऑफ द टूथ यू कैन सी, आप क्या देख सकते हो, क्राउन देख सकते हो. द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, बोन्स, हड्डियों को कहते हैं. स्टिकी कोटिंग फॉर्म्ड ऑन टीथ, ये प्लाक होता है, हमने आज ही पढ़ा है. ठीक है, बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं हमारे, इंसाइजर्स. द पार्ट इनसाइड द गम, गम के अंदर कौन सा पार्ट होता है, उसको रूट कहते हैं. जो दांत है हमारा आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनकी फ़ोटो आपको मैं शेयर कर दूंगा. बाकी नीचे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके भी पिक्चर क्लिक करके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. ये सारे ही क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे. आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी. कुछ नहीं भी आया हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं. शुक्रिया.